सकते हो कि ये मेरी देखो हथेली पे बैठ रहा है। देखो इसी के जैसे सेम ब्रीड आती है लासा आपसो, ऑल ओवर बिल्कुल सेम रहता है सिवाय फेस के, जो उसका फेस है सिर्फ ये है रॉटवाइलर। ये गार्ड डॉग होते हैं जो फार्म हाउस पर या खेतों के लिए या नॉर्मली आप अच्छे भाई को नॉलेज होगी तो बता सकता है कि इसमें कौन सा बच्चा बेस्ट है बिना पैसे के आप डॉग ले सकते हैं बिना पैसे के वीडियो बच्चा चलो एक रुपया देके ले लेना। यो कॉपी खाना लो बात ऐसी घर की जैसी आज हम आ चुके दोबारा अमित भाई के पास। क्या हाल है ब्रो? आज जहरी ब्रीड दिखाने वाले भाई, आग लगा देंगे। हां भाई आज अमित भाई ब्रीड है, अपना नंबर बता दो 8512088672 और यही मेरा नंबर है कालका जी बेस पे। आप गूगल पे भी डालोगे एके पेट शॉप तो मेरी हिस्ट्री आप खोल सकते हो, वहाँ से आप मेरे को मेरे बारे में ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी डिटेल, ऑल ओवर द इंडिया डिलीवरी है और पेमेंट ऑप्शन एक बहुत तगड़ा ऑफर है वो मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट के बाद। पहले सीधा ब्रीड दिखाते हैं। क्या दिखा रहे हैं पहली ब्रीड भाई? हाँ पहली ब्रीड मैं आपको दिखाता हूँ, ये गोल्डन रिटीवर बच्चे हैं या फिर चाओ चाओ दिखाते हैं पहले। हाँ चाओ चाओ सुंदर बच्चा चाओ चाओ पकड़िए आपने और निकालता हूँ चाओ चाओ चाइनीज नेपाल में भी चाओ चाओ चलता है। ये देखो भाई, ये देखो, ये भैया देखिए दोनों के दोनों चाओ चाओ बच्चे हैं। ये लाइट गोल्डन कलर का है, ये ब्राउन कलर का बच्चा है, ठीक है। बट एज क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में बहुत फर्क है, इसीलिए मैंने दो बच्चे दिखाए हैं आपको, क्योंकि इसका जो मजल है और इसका मजल जो थोड़ा सा अलग अलग है। आप इसका फेस देख सकते हो बिल्कुल पंच है, बट इसका जो फेस है वो थोड़ा सा एक आध इंच थोड़ा सा आउट है। अब बात करें इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी आप ऐसे ही जज कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि चौचाओं को जज करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो उसकी टंग होती है वो पर्पल होती है, आप इनकी भी देख सकते हो पर्पल टंग होती है। ये देखो लाल हुई तो मतलब नकली है भाई। हाँ लाल इनकी जो अदर ब्रीड्स की होती है जैसे गोल्डन होती है या रेड होती है वो ऐसी नहीं होती, इनकी जो टंग होती है पर्पल होती है। अच्छा हाँ जी, तो इससे आप इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वालिटी कैसी है, ओके है या नहीं है। क्या भैया इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो अप्रोक्सली अगर इस क्वालिटी का बच्चा लेते हो तो मे भी आपको मान के चलो 20-22 हज़ार तक का बच्चा मिल जाता है मेल। हाँ मेल, अगर इस क्वालिटी की बात करते हैं तो इस क्वालिटी का बच्चा आपको अप्रोक्सली 30 के आसपास जाता है एज़ पर डिपेंड ऑन क्वालिटी। बात करें फीमेल की तो फीमेल का जो रेट है वो अप्रोक्सली मान के चलो इस क्वालिटी में 20-22 हज़ार और इस क्वालिटी में 15-16 हज़ार। फीमेल के रेट कम ही रहते हैं। हाँ फीमेल के रेट कम होते हैं, सही बात। हाँ जी हाँ जी, अब दिखाते हैं आपको अगली ब्रीड। कौन सी दिखा रहे हैं? जो हाथ में आ जाए भाई। गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर ये लीजिए। चलो ये रहा भाई। क्वालिटी देखो कितनी बढ़िया, शरीफ कुत्ता भाई। आपके पास भी है ना ये? हाँ भाई। हाँ जी हाँ जी, सुंदर कुत्ता, शरीफ कुत्ता ये भैया गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है। वर्ल्ड की नंबर वन इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में से एक होता है गोल्डन रिट्रीवर। ये इतना इंटेलिजेंट होता है जो भी आप कमांड इसको देना चाहो या समझाना चाहो ये बहुत जल्दी उसको कैप्चर करता है और बहुत जल्दी समझता है। गोल्डन रिट्रीवर की क्वालिटी को जजमेंट आप ऐसे ही कर सकते हो कि जैसे आप बच्चा देख रहे हो इसका स्मूथ कोट होना चाहिए, जो हेड है वो ब्रॉड होना चाहिए, जो मजल है वो शॉर्ट होना चाहिए, जो पॉज वगैरह हैं वो थोड़ा सा हैवी होने चाहिए। अच्छा ठीक है। और जो आप फेस के आसपास देख रहे हो उनके जो हेयर हैं ये थोड़ा सा हैवी होने चाहिए। मे बी कई बार लोग क्या करते हैं गोल्डन और लैब को मिक्स करने के बाद ब्रीड बना देते हैं और उसको लैब की जगह गोल्डन रिट्रीवर बोल के बेच देते हैं। वूट में क्या है फिर क्वालिटी हैवी नहीं निकलती और बच्चा अच्छा नहीं निकलता है। तो आप इसकी क्वालिटी को ऐसे जज कर सकते हो। जो उसकी शॉर्ट आप टेल देख रहे हो, टेल भी काफ़ी हैवी है आप जैसे देख रहे हो। आप इन दोनों की क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी है, सुपीरियर क्वालिटी के बच्चे हैं ये, ठीक है। इसके अंदर भी दो कलर आते हैं जो भाई के हाथ में है, ये डार्क कलर है, ये जो है ये थोड़ा लाइट कलर है। मे बी आप दिखाइए थोड़ा घुमा के दिखाएंगे इसे, ये देखिए इसका कलर थोड़ा डार्क है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। तो इस तरीके से आप इसकी क्वालिटी को जजमेंट कर सकते हो। इसमें दो कलर आते हैं, डार्क कलर वाला बच्चा थोड़ा सा महंगा जाता है, लाइट कलर थोड़ा सस्ता रहता है, ठीक है। क्या रहेगा हिसाब किताब भाई? इनके अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इनका प्राइस रेंज जो अप्रोक्सली है 20-22 के आसपास इनका प्राइस रेंज है मेल का। मेल का, फीमेल का प्राइस रेंज वही है आपका 10-12 हज़ार रुपये का। इतना अभी कम? हाँ इतना डिफरेंस। हाँ इतना डिफरेंस है अभी इसके अंदर। और अमित भाई वो क्या नया पेमेंट ऑप्शन आपने इंट्रोड्यूस करा है? एक्चुअली क्या हमने नया एक EMI ऑप्शन निकाला है। अच्छा अच्छा। हाँ तो अभी तक हम क्रेडिट कार्ड पे EMI प्रोवाइड कर रहे थे, बट हमने एक सर्विस और स्टार्ट की है जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे अगर आप वीडियो तक बने रहोगे लास्ट पूरे एंड तक देखेंगे। उसमें क्या है बिना पैसे के आप डॉग ले सकते, वोडाफोन है जिसको लोग इसके नाम से तो बहुत कम जानते हैं, इसको वोडाफोन के नाम से जानते हैं। ये पग ब्रीड है। हाँ जी हाँ जी, ये शॉर्ट
ब्रीड है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट अपार्टमेंट के लिए या स्मॉल हाउस के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है। और ये क्या है, इजी टू केयर है, इजी टू मेंटेन है, ठीक है, कम खाता है, इजी टू केयर है, आराम से इसे रख सकते हो आप, ठीक है, इजी टू अगर कहीं भी ले जाना हो उठा के गोद में उठा के ले जा सकते हो। और छोटे बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए बहुत ज़्यादा लविंग होता है और प्लेफुल होता है, भागता दौड़ता बहुत ज़्यादा रहता है। आप इसकी भी क्वालिटी को ऐसे ही जज कर सकते हो कि देखो आप इसके नोज़ के ऊपर आप देख रहे हो फोल्डर है दोनों के ऊपर ही। कई बार क्या होता है इनकी नोज़ के ऊपर फोल्डर नहीं होता, बस बिल्कुल फ्लैट नोज होती है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है क्योंकि फिर हाँ लो क्वालिटी का होता है। आप बच्चा का भी लेते हैं, इस तरीके की क्वालिटी जज करके लीजिए। आप इसमें भी अगर किसी अच्छे मेरे भाई को नॉलेज होगी तो बता सकता है कि इसमें कौन सा बच्चा बेस्ट है। कौन सा इसमें भी अब आप ही लोग बता दीजिए कौन सा बेस्ट है। ये वाला इसमें ये बच्चा बेस्ट है, पहचान नहीं पा रहे भाई, ये वाला पहचान नहीं पा रहे क्योंकि इसका नोज फोल्डर अलग है, इसका नोज फोल्डर अलग है। अच्छा, आप देखोगे तो दोनों में बहुत फर्क है क्वालिटी के अंदर। क्वालिटी हाई है बट हाँ जी हाँ जी, इसकी थोड़ी सी लो है। हाँ नहीं लो मीन्स नहीं कह सकते, इसके मुकाबले थोड़ा सा बच्चा 19 है, ये बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना, वो बजट के हिसाब से भी। हाँ हाँ, प्राइस वही है, बजट के साथ क्या रहेगा भाई इसका, जो प्राइस रहता है भैया वही मान के चलो, इस वाली क्वालिटी का, हाई क्वालिटी, इस क्वालिटी का वही 14,000 से 15,000 रुपए मेल का। हाँ मेल का। और इसका, इस क्वालिटी में आप लेते हैं तो मतलब रेट तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, 1,500 का फर्क है। हाँ। बट यही सेम ही रेट चलता है इनका। अच्छा। बट मैं आपको, मैंने क्वालिटी इसलिए आपको जजमेंट कराई है ताकि आप कंपेयर कर सको। तो वही भाई रेट तो हमने बता दिए, फीमेल का क्या रहेगा? इसमें जो फीमेल का रेट है वो अराउंड मान के चलिए अप्रोक्सली आपको मिल जाएगा 9,000 to 10,000 अप्रोक्सली, बट एज पर डिपेंड क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत अप हो जाता है, डाउन भी हो जाता है, ये दोनों ही चीजें। ऑल इंडिया डिलीवरी रहने वाली है। और टाइमिंग क्या रहेंगी भाई कॉल वॉल करने की? कॉल वॉल की टाइमिंग तो ऐसा है, देखो हम 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ऑनलाइन अवेलेबल ही होते हैं। 12 बजे? हाँ 12 बजे तक। हाँ उसके बाद भाई हम सोते हैं तो कृपया उसके बाद कॉल ना करें क्योंकि भैया हमारा भी घर परिवार है। व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं आपको, मैक्सिमम रिप्लाई मिल जाएगा क्योंकि 12 बजे के बाद हम मॉर्निंग में सुबह 6 बजे फिर उठ जाते हैं, तो जो भी मेरे भाई लेट नाइट हमें मैसेज ड्रॉप करते हैं तो उनको अर्ली मॉर्निंग रिप्लाई करके। भाई डॉग फूड का भी अपना काम है ये सब? हाँ जो भी हमारे पास शॉप वगैरह प्रॉपर है तो जो भी इसकी एसेसरीज वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है हमारे पास। सही, कोई अगर लेना चाहे तो सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगा, पूरा गाइड करके देंगे और डॉक्टर से आप टेस्ट भी करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी बच्चा लेने से पहले अगर आप चाहो तो आपको अगर 1% भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने वेट के पास ले जाके बच्चा हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। अगर वो कहते हैं बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप हमसे बच्चा रिटर्न कर दीजिए, हम आपको बच्चा दूसरा हैंड ओवर कर देंगे, आपको एक्सचेंज करके बच्चा दे देंगे। सही बात, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल एक्सचेंज ऊपर है, बट ऐसा नहीं है 2 महीने बाद आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो उसका भी क्या है भैया, देखो लाइफ स्टॉक है, एक टाइम पीरियड होता है एक्सचेंज का भी, क्योंकि देखो आज मैं ठीक हूँ कल मैं ठीक रहूंगा नहीं रहूंगा, इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता। सही बात, तो इसके लिए आप बच्चा लेके जाइए, आपके पास जो भी आपका बेस्ट डॉक्टर हो या बेस्ट नॉलेजदार बंदा हो आप उसके पास जाकर चेक करा लीजिए, क्वालिटी और हेल्थ दोनों चेक कराओ, अगर 1% भी कोई इशू है तो हम आपको बच्चा हैंड ओवर एक्सचेंज करके दे देंगे। सही बात, ये हमारा कमिटमेंट है, ठीक है ना भैया। एक और बात, ये आपको डाइट वाइट सारी चीज़ें गाइड करेंगे, तो स्क्रीन पर चल रहा है नंबर, अब दिखाते हैं अगली ब्रीड। जी जी जी, आ जाइए जो फार्म हाउस पे या खेतों के लिए या नॉर्मली आप अच्छे प्रोटेक्शन के लिए अगर आप डॉग रखना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। मे बी स्मॉल फैमिली वाले या स्मॉल स्पेस वाले लोग इसे ना लें, मैं ये नहीं कि सिर्फ बेचने के लिए बैठा हूँ, आपको गाइड करना भी मेरा हुआ है कि भैया मैं आपको गाइड करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मान के चलिए अगर आप अभी तो ले लेते हैं स्टार्टिंग में, 20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद इसको नीड होती है स्पेस की, अगर वो आप इसे स्पेस नहीं दोगे तो वो आपको भी परेशानी करेगा और वो खुद भी परेशान होगा, एग्रेशन आता है, फिर अग्रेशन आता है तो उस समय पर कस्टमर परेशान होता है। तो इसलिए जब भी आप डॉग लें सोच समझ के लीजिए आप किस पर्पज पर डॉग ले रहे हैं, ये पर्पज होना आपका बहुत जरूरी है, घर के लिए ले रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं, बाहर के लिए ले रहे हैं, या एज अ फिर फ्रेंडली नेचर के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए ले रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी डॉग परचेज करें इन चीजों का अक्सर ध्यान रखें कि आप किस पर्पस पे आप अपना डॉग खरीद रहे हैं। ये जो डॉग है ये रॉटवाइलर डॉग है, गार्ड पर्पस के लिए डॉग होता है, गार्डियंस के लिए अगर आप रखना चाहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए अपनी फैक्ट्री में, घर पे, फार्म हाउस पे या फिर कहीं भी तो आप रख सकते हैं। बहुत अच्छा डॉग है, इंटेलिजेंट डॉग होता है, ओनर के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेबल होता है, ठीक है ना, तो ये वो बहुत अच्छा डॉग है, गार्ड पर्पस पे आप रखना चाहते हैं। क्वालिटी की आप बात करें तो क्वालिटी यही होनी चाहिए, जैसे देख रहे हैं आपने इसका शॉर्ट मजल है, ब्रॉड हेड फेस है, हैवी बोन है, बिल्कुल आप बच्चे देख रहे हो बिल्कुल टॉप क्वालिटी के हैवी बोन के बच्चे हैं ये, ठीक है ना भैया।
क्या रहेगा भाई इनकी? अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 18 से 20 हज़ार रुपये इनका प्राइस रेंज है। अगर आप क्वालिटी थोड़ा सा अप लेते हैं तो प्राइस थोड़ा में भी और अप हो जाएगा, नहीं तो डाउन लेते हैं तो प्राइस और डाउन हो जाएगा। और गाइस ये जो प्राइस हम बता रहे हैं ये हर दिन सेम नहीं रहते, अगर आप 2 महीने बाद आओगे बोलोगे ये प्राइस था तो भाई हर दिन प्राइस ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर ही जा रहा है। डाउन तभी जाता है जब क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो हम ये नहीं कहेंगे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करो क्योंकि आपको 10-12 साल रखना है। जी ये क्या आप छोड़ नहीं सकते? बिल्कुल बिल्कुल, एक फैमिली मेंबर है आपके घर का, तो आप ऐसा नहीं कि भैया आज ले लिया पसंद नहीं आ रहा कल उठा के फेंक दिया या कहीं डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए एक बार लें, सोच समझ के लें, अच्छा पैसा लगाएं, अच्छी चीज लें, वरना EMI करवा सकते हैं। हाँ वो ऑप्शन भी है, वो बताते हैं आप। चलो 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 चलो, अब कौन सा हो गया? सिज्जू सिज्जू आओ आओ आओ, एक ये आ जा, उठा लो उठा लो, नाजुक है भाई। हाँ तो गाइस सब दिखा रहे हैं आपको शिट्ज़ू, दो वैरायटी हैं यहाँ पर। हाँ ये शिट्ज़ू पप्पी है, ये स्मॉल ब्रीड है, स्मॉल ब्रीड की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं ये। बेबी मान के चलिए छोटे अपार्टमेंट के लिए, घरों के लिए आप इन्हें रख सकते हो, ये फैमिली छोटी स्मॉल फैमिली के लिए, स्मॉल स्पेस के लिए भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। सिज्जू के लिए आप ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं होती है, इजी टू मेंटेन है। अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी आप ऐसे ही जज कर सकते हो, जैसे आप इनका ये फेस देख रहे हो, फेस के ऊपर मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप इसके ऊपर है दोनों आइज के ऊपर प्रॉपर चश्मा होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आप इन पे देख रहे हैं। अब बाकी बात करें इनकी बैक साइड की, तो बैक साइड पे जैसे आप देख रहे हो उनके ऊपर, इसके ऊपर जो मार्किंग है वो काफ़ी बेटर है और इसके ऊपर जो मार्किंग है वो थोड़ा सा प्लेन है। तो ये क्या है कि सिज्जू के ऊपर मार्किंग का ही सारा खेल है। सिज्जू के ऊपर मार्किंग अच्छी होनी चाहिए तो ही उसका क्वालिटी ज़्यादा बेटर इंक्लूड किया जाता है। इसके जैसी भी एक और ब्रीड होती है। हाँ, तो इसके जैसे स्कैम हो जाता है लोगों के साथ, बाद में पता चलता है। इसी के जैसे सेम ब्रीड आती है लासा आपसो, ऑल ओवर बिल्कुल सेम रहता है सिवाय फेस के, जो उसका फेस है सिज्जू जो है पंच फेस में रहता है और जो लासा होता है वो थोड़ा सा आउट फेस होता है, उसका फेस जो है थोड़ा सा आउट हो जाता है, जो उसकी नोज है वो आउट हो जाती है। और दूसरा उसके अंदर आप जज कर सकते हो कि लासा अक्सर बाइट करता है, अभी नहीं करेगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो बाइटिंग स्टार्ट कर देगा। और सिज्जू कभी बाइट नहीं करता, तो आपके साथ अगर आप अपने घर में बच्चा लेके आते हैं और आपका बच्चा बाइट कर रहा है तो वो सिज्जू नहीं है, वो लासा है, वो लासा है। तो आप इससे बहुत अच्छी तरीके से जजमेंट कर सकते हो कोई आपके पास सिज्जू गया है या लासा गया है। तो गाइस इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखा करो। हाँ जी हाँ जी, अगर बात करें इसकी प्राइस रेंज की, जो इसका प्राइस रेंज है वो जो हम बात करें 18 से 20 हज़ार रुपये का अभी का करेंटली प्राइस जो इनका चल रहा है, मेल का। हाँ मेल का, और फीमेल अप्रोक्सली 14 से 15 हज़ार रुपये। हाँ जी, इनका ये प्राइस रेंज है। सही बात, ठीक है ना। चलिए अब दिखा रहे हैं गाइस लास्ट ब्रीड है ये, इसमें दो अभी दो वैरायटी है, दो वैरायटी है, बताओ भाई बताओ। भैया ये है टॉय पॉम। हाँ, जो सबसे स्मॉल ब्रीड रहती है, जो अक्सर मेरे कई भाई होते हैं जो ये पूछते हैं भैया सबसे छोटी ब्रीड कौन सी है, तो छोटी ब्रीड के अंदर से तीन ही ब्रीड आती है, टॉय पॉम, चुआवा, डैशहाउंड, ये तीन ही ब्रीड सबसे छोटी आती है। और ये जो है सबसे छोटी ब्रीड रहती है टॉय पॉम। इसका आप साइज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ये मेरी देखो हथेली पे बैठ रहा है, देखो। और इसका जो साइज है ओवरऑल ये फुल है, थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, 1 से 2 इंच और बढ़ेगा, तो यही साइज इसका रहेगा। तो गाइज ये जो डॉग हमने दिखाया कितने दिन के हैं? ऑलमोस्ट 40। ये इसकी जो एज है अप्रोक्सली 2 मंथ का है ये। अच्छा 2 मंथ का, और बाकी वो 40? वो जो मैंने आपको बच्चे दिखाए ये पीछे जितने भी बच्चे हैं ये सब अप्रोक्सली 35-40 डेज के ओल्ड हैं। और ये बच्चा जो है ये अप्रोक्सली 2 महीने का बच्चा है, क्योंकि ये स्मॉल ब्रीड है, ये छोटा ही रहता है, तो इसलिए आपको मे बी लग रहा है कि बहुत छोटा दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ ये, क्योंकि इसकी हाइट ही छोटी रहती है। बॉडी से काट दो तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि छोटा ही रहता है, बहुत हाँ। छोटी ब्रीड है ये। और इसका फेस देख सकते हो कितना पंच है, बिल्कुल छोटा सा फेस होता है इसका, तो आप इस चीज़ से आप देख सकते हो। क्योंकि अक्सर लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है, लोग टिकटॉक वाली वीडियो देख के बोलते हैं भैया वो वाला डॉग दो, तो ये वही वाला डॉग है, लेकिन एक्चुअली क्या है वो जो आप डॉग देखते हो वो यहाँ का नहीं है, वो चाइनीज ब्रीड है, वो वहाँ मिलती है। अच्छा। तो वहाँ का टॉय पॉम और यहाँ के टॉय पॉम में थोड़ा सा फर्क है साइज का, तो मे बी आप देख सकते हो ये यहाँ का टॉय पॉम है। अच्छा, तो ये व्हाइट कलर का टॉय पॉम है, आप देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा ही रहता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसमें कलर आते हैं, गोल्डन आता है, व्हाइट आता है, क्रीम आता है, ब्लैक आता है, तो ये 4-5 कलर के बच्चे इसमें आ जाते हैं, ट्राई कलर भी आता है। आप ये देख सकते हो मेरी हथेली के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये सोचो कितना बड़ा बच्चा होगा ये। सही बात। ये देख लीजिए अप्रोक्सली 2 मंथ का, अगर इस कलर में बच्चा आपको चाहिए तो अप्रोक्सली 35 से लेके 40 के बीच में इस बच्चे की रेंज आती है, क्योंकि इसमें व्हाइट कलर सबसे कॉस्टली होता है, बाकी अदर कलर लेते हो आप तो 30 के अराउंड आपको बच्चा मिल जाएगा। कलर मिल जाएंगे ना अमित भाई, सारे कलर अभी मिले। ये जो हमने ब्रीड दिखाई है इसके अलावा किसी का और मन हो कि भाई मेरे को ये वाली जर्मन लेना है, ऑल ओवर ब्रीड अवेलेबल है सब।
एक जो मर्जी ले लो आप, ए टू जेड ब्रीड अवेलेबल है अपने पास, कोई भी ले सकते हो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कहीं से भी बैठ के आप हमसे ऑनलाइन बच्चा हैंड मंगवा सकते हो, डिलीवरी करवा सकते हो। बट डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, डिपेंड ऑन डिस्टिनेशन, कितनी डिस्टेंस है उसके हिसाब से फिर उसके चार्जेस होते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल होती है। हाँ, EMI का भी बता देता हूँ। हमारे पास एक्चुअली क्या है भैया, अभी तक जो हम EMI प्रोवाइड करा रहे थे वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर करा रहे थे, बट अब क्या है, किसी के पास, मेरे भाइयों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास बजाज फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड होता है या बजाज फाइनेंस का कार्ड होता है, तो हमने उसके ऊपर भी आपको EMI सर्विस एक्टिवेट करवा दी है। हम उस पर भी आपको EMI दे सकते हैं, आपको एक रुपया लाने की जरूरत नहीं है। आप कार्ड लेके आइए बजाज फाइनेंस का और बच्चा लेके जाइए। हाँ जी, मतलब बिना पैसे दिए बच्चा ले जा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, आप बिना, चलो हम ये कहेंगे एक रुपया लाओ और डॉग ले जाओ प्योर ब्रीड वाला। हाँ जी, विद ऑल डॉक्यूमेंटेशन, ऑल डॉक्यूमेंट और हेल्थ चेकअप भी आप करा ही सकते। बिल्कुल, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके हेल्थ चेकअप करा सकते हो। सही बात। अगली भाई मैं आपको दिखाता हूँ इसी की, एक थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीड आता है इसी। हाँ, इसी ब्रीड बड़ा भाई दिखाते हैं भाई। कहाँ है इसका बड़ा भाई? ये रहा, आ जा। सो रहा है गाइस, सो रहा, उठाते हैं उसको, बहुत हो गई नींद भाई। अब आजा लाइट लाइट। ये है कल्चर पॉम। कल्चर पॉम, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? दोनों में डिफरेंस यही है भैया, ये कल्चर पॉम है, अभी जो मैंने आपको टॉय पॉम दिखाया, अब जो इसकी जो है पूरा प्रॉपर हाइट है अभी तक, ये उससे भी छोटा रहेगा। टॉय पॉम इससे भी छोटा रहता है अभी जो इसकी हाइट है, क्योंकि ये क्या है, ये अभी अप्रोक्सली 40-45 दिन का बेबी है। अभी जो उसकी हेल्थ है और ग्रोथ है उसके मुकाबले, ये कल्चर पॉम के मुकाबले टॉय पॉम ओवरऑल इतना ही बड़ा रहता है। अच्छा, ये थोड़ा बड़े साइज का हो जाता है। इसमें तीन ब्रीड आती हैं, सबसे स्मॉल टॉय पॉम, उससे बड़ा कल्चर पॉम, उससे बड़ा पोमेरियन। अच्छा, तीन ब्रीड आती हैं ये। तो यही है, इसमें भी कलर की बात करें तो कलर इसमें भी 3-4 मिल जाते हैं, वाइट, गोल्डन, क्रीम और ब्लैक भी मिल जाता है और ब्राउन भी मिल जाता है। ये ब्राउन कलर ही है जैसा आप देख रहे हो इसको। तो इनकी प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज इनका आराम से आपको मिल जाएगा 15,000-18,000 रुपये में मेल बच्चा मिल जाता है और 12,000-13,000 रुपये में फीमेल मिल जाती है। लेकिन इसमें भी व्हाइट कलर महंगा है, व्हाइट कलर लेते हो तो वो अप्रॉक्सली 20-22 के अराउंड जाता है। हाँ, व्हाइट कलर थोड़ा सा कॉस्टली आता है कल्चर पॉम के अंदर भी। क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब अगला दिखाते हैं, अगला एक रह गया ना। हाँ जी हाँ जी, एक बच्चा और रह गया। चीपेस्ट, चीपेस्ट, अब आया है चीपेस्ट पे आपके लिए। चीपेस्ट बहुत डिमांड करते हैं ना, चीपेस्ट लो, चीपेस्ट लेब्रा। हाँ, व्हाइट लेब्रा जो मिलता नहीं आसानी से। हाँ जी भाई, क्या है आसानी से, चीप एंड बेस्ट प्राइस का लेब्राडोर पप्पी है ये। अच्छा, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, एक एवरेज क्वालिटी का बच्चा है। ठीक है, मेरे को उसको दिखाने का पर्पस ही यही है, मैं इसको बेचने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, बस दिखा इसलिए रहा हूँ कि अक्सर कस्टमर ये डिमांड करते हैं कि भैया हमें चीपेस्ट प्राइस में बच्चा दो और इस तरह की क्वालिटी ले लेते हैं। इस तरह की क्वालिटी में क्या होता है, बच्चा प्योर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये बच्चा नहीं बनेगा। ये एवरेज रेट का बच्चा है तो एवरेज ही बनेगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एवरेज बच्चा है, बच्चा प्योर है लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी एवरेज है, वही हाँ हल्की क्वालिटी का बच्चा है तो बच्चा भी हल्का ही बनेगा। तो यही इसमें आप देख सकते हो, इसका जो प्राइस रेंज है अप्रोक्सली मान के चलो आपको 7,000-8,000 रुपए में ये बच्चा मिल सकता है। अगर अच्छा बच्चा लेते हो, थोड़ा सा बेस्ट क्वालिटी वाला लेते हो, तो अप्रोक्सली आपको 13,000-14,000 रुपए का लैब्राडोर बच्चा मिलता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल आपको वही 8,000-9,000 रुपए की फीमेल मिलती है, अच्छे की। हाँ जी, अच्छा बच्चा। लो वाले की, लो वाले की तो आप मानेंगे तो 4,000 रुपए में आपको 4-5,000 रुपए लेते हैं। मतलब एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, कस्टमर काफी सारे ऐसे आते हैं हमारे पास कि भैया हमें तो डॉग चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। और मेरा कहना ये है भैया, आप चाहे डॉग आज नहीं 2 साल बाद लो, लेकिन अच्छा लो, क्वालिटी ये लो। क्योंकि भैया अगर आप रोड पे निकलो तो 4 लोग आपसे ये पूछे कि भैया कहाँ से लिया, कहाँ से लिया, और क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप एक बार उस पर पैसा खर्च करो सिर्फ खरीदने में, लेकिन उसको पालने के ऊपर आप उससे 10 गुना पैसा लगा रहे हो, वो तो वेस्टेज है, और वो आपका वेस्ट हो जाता है अगर आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो। इसलिए तो हम आपके लिए EMI ऑप्शन लाए, ताकि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो वो कवर हो जाए। हाँ जी हाँ जी, है ना भाई। तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो करते हैं एंड, और अपना एक है भाई की, अमित भाई की सारी डिटेल डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे चल रहा था नंबर, उससे आप कर सकते हैं। टाइमिंग वही सुबह के 9 से रात के 10 बजे तक ले लेते हैं, अभी भी कर सकते हैं, 13 घंटे की है। उसके बाद आप व्हाट्सएप छोड़ देना, आपको रिप्लाई आ जाएगा स्क्रीनशॉट के साथ। तो इस वीडियो करते हैं ये खत्म। किसी मेरे भाई को इंग्लिश बुलडॉग की क्वेरीज हो या कोई बात हो, तो इंग्लिश बुलडॉग की मेरी अपनी खुद की होम ब्रीडिंग है। अच्छा, अच्छा। वो चाहे तो मेरे पास ऑल टाइम ऑल कलर अवेलेबल होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हमने वीडियो बनाई थी उस पर प्रॉपर। हाँ, बहुत प्यारी प्यारी ब्रीड दिखाई थी, तो आई बटन में भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। तो करें भाई सब खत्म, बिल्कुल ओके, रिपोर्ट बिल्कुल, चले भाई, ओके ओके अमित भाई, ओके ओके, लव यू गाइस। मेरे भाई का नाम क्या है?
करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड़, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूट ने, और तेरे लूप पे जूस बजेंगे टूथ पे, लेवल 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 ही अलग है तेरे भाई का।